अगर आज की वीडियो आप लोगों को नहीं पता किसके बारे में, तो आई बटन के अंदर एक फुल डिटेल वीडियो है। एंड इस वीडियो के ऊपर यार एम कर रहा हूँ मैं 50 लाइक का, हाईएस्ट एम आज तक के मेरा बहुत होप्स हो जाए, क्योंकि एंड के अंदर मेरी फैमिली का भी रिएक्शन है जो कि प्राइसलेस है। पीछे तो बड़े सेवेज मोमेंट्स भी हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना मेरी बेइज्जती के लिए। Welcome back to another Otaku. I'm a big anime fan and I also love to watch people draw. Then I feel like I'm drawing kitni. So yeah, this is it. So in this video, I'm going to, before starting, yaar, abhi dikhata hu meri मतलब कितनी आर्टिस्ट है यार, वाटर कलर की ड्राइंग होती है, इससे बढ़िया तो हम इंजीनियरिंग ही कर लेते। सबसे पहले तो उसकी आइकॉनिक बियर्ड, लाइक रॉबर्ट डाउनी जूनियर आर्टिस्ट है, ठीक है यार, देख लो नंबर ड्राइंग की बात आते तो पता है ना, ऐसे लोगों से ना मिले जुले। So what is up guys and welcome back to another episode of We Tried It for 24 hours. So basically यार ये मैंने एक नई सीरीज बनाई जिसके अंदर मैं एक कोई भी एक काम या फिर कोई भी स्किल जो है 24 घंटे के अंदर सीखने की या करने की कोशिश करूँगा। So yeah, let's see इसका कैसा रिस्पॉन्स आता है, उस पर डिपेंड करते हैं कि कितना लंबा चलाते हैं सीरीज को। बट आज जो करने वाले हैं, बेसिकली यू गाइज नो आई एम अ बिग ओटाकू, आई एम अ बिग एनिमे फैन एंड आई ऑल्सो लव टू वॉच डीप लाइफ। तो यार मैंने जो एनिमे देखा है, हम लाइक यार ये कितना बढ़िया आर्टवर्क बनाते हैं, मतलब कितने स्किल होते होंगे। हम लाइक यार मेरे को भी ना आर्टिस्ट बनना है। सो हम लाइक मेरे को पता है यार एनिमे जैसा आर्टिस्ट तो नहीं बनना होगा। उसके बाद मेरे को ध्यान आया यार डीप लाइफ है एक यूट्यूबर, मेरे को यार बहुत सही लगता है, मतलब वो इतनी, मतलब जिस तरह से वो ड्रॉ करता है ना, ऐसा लगता है ड्रॉइंग कितनी आसान है। सो हम लाइक यू नो व्हाट ब्रो, Let's try to become an artist in 24 hours. So yeah, this is it. So in this video, I'm going to try to become an artist. यार सीखने की कोशिश करता हूँ और आपको एंड में दिखाऊंगा कि मैं कैसा था और कैसे क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। So without any further ado, let's start into the video. So my name is Nani Ravi, your channel art production. Let's get started, bro. तो यार लाइक एवरी टाइम इस बार भी जो मैं है, सबसे पहले यार गूगल पे सर्च मारते हैं हाउ टू लर्न ड्राइंग और हाउ टू बिकम आर्टिस्ट इन 24 आवर्स। सबसे पहले वो गूगल पे सर्च करते हैं, उसके बाद देखते हैं उसके ऊपर क्या रिजल्ट आता है। ओके सो पहले तो ये चश्मा उतार दूँ, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा था। ओके हाउ टू बिकम एन आर्टिस्ट इन 24 आवर, let's see. But before starting यार अभी दिखाता हूँ मेरी मतलब कितनी आर्टिस्टिक स्किल है। तो लेट मी ट्राई टू ड्रॉ समथिंग, तो लेट मी ट्राई टू ड्रॉ दिस मिनी गोरिल्ला पॉड। Okay, I know I don't know how to draw, okay. But that's something, okay. और ऊपर से मैंने पेन से ड्रॉ करा था, सिर्फ ये मतलब पेंसिल से ड्रॉ नहीं करा था। टू शार्प एट समवन, ओके ऑलराइट। तो आफ्टर रिसर्चिंग फॉर सेवरल सो फार मेरे को पता चला कि इट्स नॉट दैट सिंपल टू बिकम आर्टिस्ट। मतलब ट्रूली स्पीकिंग यार एक बार को आप डॉक्टर इंजीनियर बन जाओगे, बट आर्टिस्टिक गिरी इट्स समथिंग डिफरेंट, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चाहिए इसके लिए टैलेंट, जो हमें बिल्कुल भी नहीं है। टैलेंट के नाम पर हमारे पास टी भी नहीं है। एंड दूसरी चीज यार, मतलब बचपन से मेरे को पता है क्या लगता था यार, वाटर कलर की ड्राइंग होती होगी, पेंसिल की ड्राइंग और वो हमारे यू नो क्रेयॉन, क्या कहते थे उसको यार, मैं भूल गया वो वर्ड क्या ना, वैक्स कलर की ड्राइंग, वैक्स कलर की, ये तीन ही चार की होती है। पर मेरे को पता चला देर इज ग्लास कलर, देर इज लाइक ऑयल पेस्ट और उसके अलावा वाटर कलर अलग होते हैं, और ऑयल पेस्ट अलग होते हैं, एक्रेलिक कलर अलग होते हैं, वैक्स कलर अलग। मैंने कहा भाई
इससे बढ़िया तो हम इंजीनियरिंग ही कर लेते। भाई साहब, तो मेरे को फिर पता चला कि यार एक पोर्ट्री होता है, एक रनिंग एंड पोर्ट्री होता है, एक एब्स्ट्रैक्ट होता है, एक लाइव ड्राइंग होती है, एक इमेजिनेशन ड्राइंग होती है। मतलब यार इतनी सारी चीज़ें थी, इट्स लाइक 50-60 किताबों के नाम हो गए कि स्टडी दिस फॉर 1 ईयर 2 ईयर टू लर्न हाउ टू बिकम आर्टिस्ट। मैंने कहा भाई, ओ भाई मारो, मुझे मारो, मैंने ये प्रोफेशन क्यों चुन लिया, चाहे 24 घंटे के लिए, इससे बढ़िया तो झाड़ू पोछा सीख लेता। बट आफ्टर अ बिट रिसर्चिंग, बहुत सारी वीडियोस देखी, बहुत कुछ करा, उसके बाद मेरी प्रतिज्ञा, प्रतीक्षा, प्रतिज्ञा, ये पता नहीं, असल में ये मैं हिंदी के वर्ड पता नहीं कौन से हिंदी के वर्ड, मेरे को नहीं पता है ना अभी मैं क्या करूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो गया इतनी वीडियो देखने के बाद। सो यार मेरे को पता चला कि यार जो मेरे को सूट करेगी वो है सबसे पहले एक फेस पोर्ट्रेट, क्योंकि वैसे मानो या ना मानो एक फेस पोर्ट्रेट सबसे आसान होता है एक नॉर्मल फेस पोर्ट्रेट में। ये नहीं करा कि यार शेडिंग करो जहाँ पे आपके मतलब गाल है, वो नहीं, एक नॉर्मल फेस पोर्ट्रेट। एंड सेकेंड इज एक थोड़ा सा मेरे को लगा यार इंटरेस्टिंग सा होना चाहिए, बिकॉज आई एम एनिमे फैन, तो आई एम लाइक यार कार्टून बनाने तो सीखने पड़ेंगे। सो नॉट लाइक सम ग्रेट एनिमे यू नो ड्राइंग, बट हाँ यार एक नॉर्मल सा जो न्यूज़पेपर वगैरह में कार्टून आता है वो कैसे बनना, तो मैं ये दो चीज़ें सीखूँगा और मिलता हूँ यार बाद में। अच्छी हाउ इट वर्क्स। सो अब आई गेस आई शुड ट्राई टू प्रैक्टिस हाउ टू ड्रॉ कैरिकेचर, भी मैंने देखा एंड बेसिक उसमें क्या था यार, ट्यूटोरियल वगैरह देखने के बाद कुछ चीज़ें क्लियर होएगी कैसे क्या चीज़ें ड्रॉते हैं। सो नाउ आई एम गोना ट्राई इट, उसके लिए मेरे को चाहिए मार्कर्स एंड ऑल दिस थिंग्स, तो मेरे पास है यार एक छोटा मार्कर। ओके सो आई एम गोना ड्रॉ ऑन दिस, एक्चुअली मेरी 11th की मार्कशीट्स है, तो ये किसी काम नहीं आने वाली, इसी के काम आ जाएंगे, इसको क्यों पहन रहा हूँ मेरे को बताएंगे। ओके सो मैं भी रोनाल्डो का ही कैरिकेचर ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। फ्रेंड मैं पहले दिखाता हूँ उसका पोर्ट्रेट, ही ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, एंड अब दिखाता हूँ मेरा। ओके ये मेरा यार सबसे पहला अटेम्प्ट था। हाँ हाँ हाँ, आई नो बहुत ज़्यादा खराब था, लेकिन यही तो बात है यार, हार नहीं मानते। सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड यार, आफ्टर दिस ट्रिप आई एम गोइंग टू डू मोर रिसर्च एंड आई एम गोइंग टू एनहांस माय स्किल टू। ऑलराइट यार, उसके बाद मैंने और रिसर्च करी कि यार ये कार्टून वगैरह ड्रॉ कैसे करते, तो मेरे को पता चला यार बेसिक जो कार्टून ड्राइंग होते हैं ना उसके अंदर ये नहीं देखते कि यार आपकी जो लाइन कैसे हो कैसे, हम देखते हैं कि आपको जो है अपने सब्जेक्ट को पहले पढ़ना पड़ता है कि यार उसका स्ट्रक्चर कैसा है, मोटा आदमी बनाना है तो चौड़ा, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को सबसे बेसिक लगा जो सबसे उसमें कॉमन कहा कि आप यू ट्राई टू ड्रॉ योर फेवरेट एक्टर एक्ट्रेस या फिर कोई भी एक रोल मॉडल। सो एम लाइक यार फेवरेट एक्टर तो एक ही है, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, सो आई डिसाइडेड टू ड्रॉ हिम। तो यार रॉबर्ट डाउनी का नाम बिल्कुल सिंपल है यार, उसको पहचानना हो तो सबसे पहले तो उसकी आइकॉनिक बियर्ड, लाइक रॉबर्ट डाउनी जूनियर की यार बियर्ड कोई लिटरली कोई भी मार्वल या फिर आयरन मैन फैन या फिर यू नो शेरलॉक होम फैन कोई भी आसानी से बता सकेगा दैट दिस इज रॉबर्ट डाउनी जूनियर। सो आई एम लाइक यार ठीक है वो आसान रहेगा कार्टून में, सो आई एम लाइक यार वो कार्टून में तो उसी की ड्राइंग बना देते हैं। सो वो चीज़ें फाइनलाइज करी है और यार बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, लिटरली 4 घंटे हो गए मेरे को अभी तक रिसर्च ही चले और अभी तक मैंने ज़्यादा ड्राइंग नहीं करी है, सिर्फ वो कुछ अब वो जो दिखाई दे वही करे हैं। But let's see. After this skill, like an idiot, I decided कि ठीक है यार देखते हैं कि सिर्फ देख के कितने और स्किल मिलते हैं। So like an idiot, I decided to draw another artwork. So here it is. मतलब यार ये मत देखो, आई नो अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब आके आड्डी फाड्डी एंड यू नो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया एंड इट्स लाइक इज ओल्ड, मतलब जो बूढ़े हो जाएंगे तो कहते हैं, बट द थिंग इज ही एक्चुअली रिजेंबल्स, मतलब अगर मैं ये किसी को जो है फोटो दिखाऊं सो ही कैन रिजेंबल इट एंड कैन से दैट ही इज रॉबर्ट डाउनी जूनियर।
सो प्रोग्रेस डेफिनेटली है बट यार 2 घंटे हो चुके हैं एंड आई एम गेटिंग अ बिट टायर्ड. तो पहले थोड़ा पानी वानी पी लेता हूँ उसके बाद आगे देखता हूँ और क्या ड्रॉ करता हूँ. तो हाँ इस क्लिप के बाद मैंने मजदूरों की तरह 4-5 घंटे और भी सुनाई लेकिन इस टाइम मैंने एक चीज करी, इस टाइम मैंने करी प्रैक्टिस एंड नाउ आई एम रेडी फॉर द फिनाले. सो या अब अपन चलते हैं इट्स टाइम फॉर द I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night, getting there ain't no point in resisting. Living life like a dream, live it right, that's the thing. Every night, got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day, it'd be me. If I want it, then I get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. Looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now. Alrighty, तो guys, अभी literally 2 घंटे हो चुके हैं, तो मेरे को 2 घंटे लगे इस पोर्ट्रे को पूरा करने में. अब बताता हूँ, दिखाता हूँ मैंने क्या क्या ड्रॉ करा. So as I told you before, he is Robert Downey Jr. I know यार बहुत अच्छे बने. Thank you. अब अगली पेंटिंग की बात करते हैं तो अगला है एक कार्टून जैसे कि मैंने कहा था. And this is also Robert Downey Jr. And last but not the least, I draw my parents. क्योंकि यार उनसे रिव्यू लेना था. अब उन्हें तो नहीं पता रॉबर्ट डाउनी जूनियर कैसा लगता, लेकिन उन्हें पता था कि उनके उनकी खुद की शक्ल कैसे दिखते. That's why I draw them. So yeah, and ये थोड़ा सा खराब है. ड्राइंग तो पूरी हो गई लेकिन जब तक किसी को रिव्यू नहीं मिलता तब तक पता कैसे चले यार मैं सुधरा हूँ या नहीं. So let's go and take some reviews. अच्छा तेरे को पता था सुबह तुम्हें क्या लग रहा था. तो बेसिकली एक मैंने ये चैलेंज है कि मैं 24 घंटे के अंदर कोई भी नया स्किल, कोई भी एक काम सीखना वगैरह, ठीक है. तो आज मैंने सीखी थी ड्राइंग करनी. तो अब तेरे को ना मैं ड्राइंग दिखाऊंगा. तेरे को पता है ना आप एक मूवी देखने गए थे एवेंजर की, उसमें वो आयरन मैन बन रहा था रॉबर्ट डाउनी जूनियर, पता है ना. अच्छा सबसे पहला है ये. अब तेरे को उसमें देख के रेटिंग बतानी है, पॉइंट बताने हैं. पॉइंट बताने 10 में से कितने देखी तो, और मतलब आज मैंने करनी सीखी है. ओके अगला है जो अखबार वगैरह के अंदर कार्टून आते हैं ना, वैसे ये इसमें बता कितने. ये मुझे अच्छा नहीं लगा. अच्छा लास्ट बट नॉट लीस्ट ये वाला किसने बता. पर पता चल रहा है ना कहाँ तेरे माँ बाप हुए. अच्छा मैं आपने पता है मैं सुबह तक की करने लग रहा था है. पहले ये वाली है, ये ड्राइंग है शायद किसी इंग्लिश मूवी में कोई हीरो है ये उनकी बनाई है. मैंने उसकी पिक्चर देखी थी और काफ़ी मिलती जुलती है ड्राइंग और काफ़ी अच्छा प्रयास है.
इसमें मैं आर्यन को 10 में से 9 नंबर देता हूँ। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है खाली समय का। अब इसके एग्जाम हो चुके हैं, ये अपने खाली समय में एक ड्राइंग की प्रैक्टिस कर रहा है, इसलिए इस ड्राइंग में मैं इसको 10 में से 8 नंबर दे। अच्छा एक चीज़ मेरे को याद आएगी, बेसिकली जो बी आर्किटेक्चर का होता है जेई के लिए पेपर, उसके अंदर 100 नंबर की ड्राइंग भी आया करें। हाँ जो मैं ये कार्टून देख रहा हूँ न्यूज़पेपर में भी ये कार्टून देखे हैं और काफ़ी अच्छा किया इसमें, और इसमें भी 10 में से 8 नंबर हम देते हैं इसको आर्यन को। ये एक न्यूज़पेपर का कार्टून है जो काफ़ी अच्छा बनाया है, चलो इसमें से हम इसको 10 में से 8 नंबर देते हैं। ना मरे मरे जो साथ अगला ये कुछ जाने पहचाने से शख्सियत है, तो अब इस वाणी को क्या दोगे? अरे वाह ये क्या है भाई, ये आर्यन ने शायद हमारा दोनों का फोटो स्केच किया है, बनाया है इन्होंने और काफ़ी अच्छा किया इसमें, और इसमें भी 10 में से 9 नंबर मेरे हिसाब से मिलने चाहिए आर्यन को, 10 में से 9। ये हम दोनों की एक तस्वीर बनाई है आर्यन ने, जिसमें मेरे हस्बैंड वैसे तो यंग है लेकिन इसमें थोड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं एक नंबर काट लेती हूँ, 10 में से 9 नंबर देती हूँ मैं इसमें इसको। और क्या? अब ओवरऑल स्किल के बारे में क्या कहना चाहोगे कि फ्री टाइम में कोई चीज नहीं की सीखना? देखो जो आर्यन ने अपने एग्जाम के बाद और एक अपना चार्ट किया है कि डेली कुछ न कुछ नई स्किल पे मैं काम करूं, नई चीज़ें सीखने का प्रयास करूं, बुक्स पढ़ूं या ड्राइंग करूं, और उसमें आज इन्होंने ड्राइंग का इनका था स्किल, ड्राइंग स्किल डेवलप के लिए इन्होंने अच्छा काम किया और बड़ा अच्छा। और एक मैं और बात विशेष तौर पे कहना चाहूँगा कि पूरे देश में एक बड़ी भयंकर महामारी फैलती जा पूरे विश्व में, बल्कि कोरोना वायरस ही, और आज कोरोना वायरस को हम रोकने के लिए ज़रूरी है सोशल डिस्टेंसिंग, समाज के लोगों से आपस में ना मिलना जुला करके दूर रहें, घर पे रहें, और मैं आर्यन को भी इसके लिए पूरा मैं इस अच्छा काम किया इसने अपने काम में व्यस्त, हम भी व्यस्त रहते हैं, ये भी व्यस्त रहता है, और हमने हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो कहा है कि हम 22 तारीख को जनता कर्फ्यू, हमने घर का कर्फ्यू पिछले 2 दिन से हमने हम लागू कर चुके हैं, घर में रहते हैं, बहुत कम बाहर निकलते हैं, केवल मॉर्निंग वॉक के समय अकेले जाते हैं, अकेले घूमते हैं, लोगों से थोड़ी सी दूरी बना कर रखते हैं, और मैं उन सभी दर्शकों से भी कहना चाहूँगा थोड़ी सी दूरी बना के रखें, क्योंकि ये वायरस तभी रुक सकता है, ये तब हम एक दूसरे की मदद तभी कर सकते हैं कि हम आपस में दूरी बनाए रखें, ऐसे लोगों से ना मिले जुलें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं, वहाँ से बचें, क्योंकि अगर ये बीमारी फैलगी तो विश्व में बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी और ये मानवता के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी और विश्व को दोबारा से खड़ा करने में और इस देश को दोबारा से खड़ा करने में बड़ी बड़ी कठिनाई आगे सामने आ सकती है, इसलिए हम सब मिलके इस लड़ाई में सब कंधे से कंधा मिला के साथ दें, और इसको अगर हमने रोकना है तो कम से कम मैं तो ये कहना चाहूँगा कम से कम 15 दिन आने वाले 15 दिन हम एहतियात के तौर पे एक दूसरे से दूरी बनाएं, अकेले रहें, घर पे रहें, और उसी दौरान हम कुछ लिखते रहें, पढ़ते रहें, कुछ कुछ अच्छे सोचते रहें, ये क्योंकि 15 दिन बाद हम फिर काम तो बहुत है फिर कर लेंगे और इसको देश को इस प्रदेश को हम फिर खड़ा कर मजबूती से खड़ा करेंगे। अब हमारे लिए जो ये हमारे लिए बड़ी भयावह स्थिति बनी हुई है इसको रोकने के लिए हमने एक हमारा सब मिलजुल का प्रयास हमने करना चाहिए। थैंक यू आर्यन, थैंक यू।
ओवरऑल ड्राइंग क्योंकि इस प्रयास में मैं ये चाहूँगा जो ये प्रयास कर रहे हैं अपने आप को भी आर्यन भी घर से के अंदर पिछले दो तीन से यहाँ अपने आप को रखे हुए है और उसमें क्योंकि बच्चों का एक होता बाहर निकलने खेलने का तो इस ये प्रयास जो कर रखा है इस मैट्रिक्स को मैं अगर उस जोड़ के देखूँ तो मैं आर्यन को 10 में से 10 नंबर दूंगा। Alrighty guys, so अब टाइम हो चुका है यार आपसे विदा लेने का। सो ये तो हो गया यार छोटा सा चैलेंज हमारा पूरा और इसमें ओवरऑल जो रेटिंग मिली थी वो दोनों रेटिंग भी आप लोगों ने सुन लिया, रिव्यू भी सुन लिया। अब यार लास्ट में एक मैं खुद से बात कहना चाहूँगा यार, जो आर्टिस्ट लोग होते हैं ना उनके हाथ में भी यार जादू होता है, एक कला होती है कि यार बिल्कुल तस्वीर और ड्राइंग के बीच में फ़र्क नहीं दिखने देते और ऊपर से यार इतनी जल्दी जल्दी वो ड्रॉ कर पाते हैं ना। लाइक मेरे को ये इतनी बेसिक सी ड्राइंग ड्रॉ करने में भी 2 घंटे लगे और वो तो यार इतनी जल्दी कर देते हो यार, हैट्स ऑफ टू देम। एंड यार आप लोग भी जो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि अगला क्या चैलेंज करना चाहिए, अगला क्या कुछ करना चाहिए वीडियो आइडियाज के बारे में। तो तब तक के लिए यार मैं लेता हूँ विदा, आपसे मिलता हूँ ऐसी एक और जबरदस्त बेसा बढ़िया वीडियो के अंदर। नाउ दिस इज योर बॉय आर्क साइनिंग ऑफ। और हाँ यार एक और चीज मैं कहना भूल गया था, अबे नल्लो वीडियो देख रहे खुद भी कुछ कर लिया करो।